गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड है उसकी बात कर रहे थे। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर सेकंड की। ये वाला जो चैप्टर है वो है अपने पास सेकेंड, ये चैप्टर सेकेंड है जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और उसके बाद अपन को देखना है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो अपन देख चुके थे। अपन को देखनी है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी कण के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यदि किसी कण के द्वारा किया गया कार्य, यदि कोई पार्टिकल है उसके द्वारा मैं किसी, या कोई पार्टिकल है उस पार्टिकल पर यदि मैं कुछ वर्क करता हूँ, यदि मैं किसी पार्टिकल पर कुछ वर्क करता हूँ तो उसकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। यदि मैंने कह दिया कि कोई पार्टिकल रेस्ट में था, यदि कोई पार्टिकल क्या था अपने पास, रेस्ट में था, यदि मैंने उसको, उस पार्टिकल को क्या कर दिया, मूव कराया, यानी उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, यदि मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उस पार्टिकल की एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। तो जो अपने पास चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही क्या होती है अपने पास, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, यही क्या होगी अपने पास, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि द वर्क डन बाय ए पार्टिकल, यदि किसी पार्टिकल के बेस पे इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द क्या है अपने पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो वही किया क्या होता है अपने पास, वर्क होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्या लिखा है, कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं दो तरीके से मान सकता हूँ, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसे होती है अपने पास, दो तरीके से मैं ले सकता हूँ, एक तो इनिशियल और एक क्या ले सकता हूँ, फाइनल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या करना है मुझे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना, KF माइनस का क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, KF माइनस का क्या हो जाएगा, KI। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या लिख सकता हूँ, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही क्या होगा अपने पास, वर्क एनर्जी थ्योरम होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu² यानी मैं लिख सकता हूँ कि v तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा और जो u शो करेगा वो क्या करेगा अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। क्या करेगा, जो u होगा 1/2 वो क्या होगा अपने पास, mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। तो ये क्या कहलाएगी अपने पास, वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाएगी। इसका एक एग्जांपल है जो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कि यदि कोई साइकिल लेकर किसी पहाड़ पे चढ़ता है, यदि कोई साइकिल लेकर कोई पहाड़ पे चढ़ता है तो वो कहता है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी लगा रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी लगा रहा है। ऐसे ही जब वो टॉप पे आता है तो वहाँ पर क्या डिफाइन होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। कुछ टाइम, कुछ सेकंड के लिए वो रुकता है और वापस कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब वो नीचे जाएगा तो उसको वापस कौन सी एनर्जी डिफाइन होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या डिफाइन कर रहा है एक तरीके से, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन हो रही है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, आउट हो रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्या यहाँ पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी क्या, यहाँ पर आप कह सकते हो
दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है, और यहाँ पर क्या है, हाई है। क्या है अपने पास? एक साइड में कम है और एक साइड में क्या है, ज़्यादा है। यदि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइकिल पर वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइकिल पर वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी साइकिल में पेंडलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो जब भी लो से हाई एनर्जी का कंसेप्ट आता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है? वर्क डन किया जाता है। तो अपन ने ये लिखा है कि यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा अपने पास? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? वर्क डन कहलाएगा। तो यही क्या होती है अपने पास? कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। तो इस एग्जाम्पल के बेस पर अपन देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम से ज़्यादा होना या ज़्यादा से कम होना, वो जब भी पॉसिबल है जब अपन उस पर क्या करते हैं, किसी पार्टिकल के द्वारा किया गया कार्य डिफाइन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कार्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? वर्क। ठीक है, यदि इसको मुझे प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ कैसे किया जाए। तो प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्या पता है मुझे? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यदि मैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करता हूं तो मुझे पता है कि थर्ड लॉ क्या होता है अपने पास? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या होता है अपने पास? न्यूटन्स का थर्ड लॉ, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो आप। यहां पर क्या लिखो? इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति की तीसरी समीकरण है। गति की तीसरी समीकरण कौन सी है? गति की तृतीय समीकरण से। यदि गति की तीसरी समीकरण की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? मुझे बताइए कि ये क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यू स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? 2as। वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। u क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। यानी v तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अंतिम ऊर्जा या अंतिम वेग। v तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतिम वेग। u क्या हो जाएगा अपने पास? प्रारंभिक वेग। u क्या हो जाएगा अपने पास? प्रारंभिक वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो s है, वो s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। s यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। कि यदि मैं किसी पार्टिकल पर वर्क करता हूँ तो उसमें वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट देता है, वही क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? टू एस। क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू एस। अब मुझे पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन्स के सेकंड नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? एम ए होता है। यदि मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? F अपॉन में क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। यानी A की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा टू, A की जगह क्या हो जाएगा अपने पास? F S और अपॉन में क्या हो जाएगा? M। अब मुझे पता है कि ये F डॉट S या F S क्या डिफाइन करता है अपने पास? एक तरीके से वर्क को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? वर्क को डिफाइन करता है। तो मुझे पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? F और S होता है, ये अपन पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास? इज इक्वल टू यू स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? टू एफ एस है, तो F की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? टू बाय एम, तो ऐसे का ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? वर्कडंग कितना आ जाएगा? W हो जाएगा। वर्कडंग कितना आ जाएगा अपने पास? W आ जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास? टू बाय एम, और साथ में क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई एम, डब्ल्यू हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये एम बाई टू को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? वन बाई टू एम वी स्क्वायर, इससे मल्टीपल हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा? वन बाय टू एम वी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा वन बाय टू एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? डब्ल्यू हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगी अपने पास? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या हो गई अपने पास?
ये वाली जो टर्म है वो क्या बताएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली क्या बताएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या बताएगा अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बताएगा अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये बताएगा अपने पास क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बता देगा अपने पास, एक टर्म तो बताएगी अपने पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और एक हो जाएगी अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या हो जाएगी अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, के एफ माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो अपन ने अभी यही स्टेटमेंट अपन को प्रूव करना था कि क्या क्या बता रहा है ये, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वर्क। तो यहाँ पे देखो ये प्रूफ हो गया कि यदि मैंने गति के तीसरे समीकरण से इसको प्रूफ किया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग है, तो अंतिम वेग तो क्या हो जाएगा अपने पास, वी हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने देखा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए एस, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो इसको मैंने लिख दिया कि इसको मैंने इसी इक्वेशन में डायरेक्ट कर दिया, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसमें जो ए का मान है वो कहाँ रखा मैंने, समीकरण नंबर एक से, क्या हो जाएगा, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू एफ बाय एम, और साथ में क्या हो जाएगा एस, एफ और एस क्या बताएगा यहाँ पे, वर्क को बताएगा। तो मैंने लिख दिया कि ये किसको बताएगा, एक तरीके से वर्क को। तो देखो ये ओवरराइट हो गया है, ये हो जाएगा अपने पास क्या, टू बाय एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क। अब मुझे पता है कि टू बाय एम था, यू स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाय एम है वो इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एम बाय टू हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हो जाएगी एम बाय टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू एम वी स्क्वायर, वन बाय टू एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ माइनस का के आई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वर्क। तो ये यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया अपने पास, कार्य प्रूफ हो गया, या कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रूफ हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यही क्या कहलाएगा अपना, हैंस प्रूफ। तो सबसे पहले तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है अपन को वो समझना है, उसके बाद अपन को ये देखना है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रूफ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल एंड असंरक्षी बल। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि संरक्षी और असंरक्षी बल को समझना है, तो यहाँ पे इसकी तीन डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन की बात करेंगे। तो एक एक डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की, और सेकेंड करेंगे अपने पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो यदि किसी कण के द्वारा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स को समझना है अपन को, यदि किसी कण के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वह क्या कहलाएगा अपने पास, संरक्षी बल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, संरक्षी बल। जस्ट एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास ए से बी पॉइंट में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। जैसे मैंने एक डायग्राम ले लिया, जैसे मैंने ये एक डायग्राम ले लिया, इस पॉइंट पर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा, ए और बी। तो मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, ए और बी, एक पॉइंट तो ए है, ये ए है, और ये क्या अपने पास, बी है। ठीक है, मुझे ए से बी में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, ए से बी में जाना है। तो ए से बी में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक पथ फर्स्ट है और दूसरा क्या है, पथ सेकेंड है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो पथ है वो तो फर्स्ट है, और ये वाला जो है वो क्या है, पथ सेकेंड है, लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि यदि मैं कि कोई भी पॉइंट को ए से बी तक ले जाऊँगा, क्या ले जाऊँगा, यदि मैं किसी भी पॉइंट को ए से बी तक ले जाऊँगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग भी जा सकता हूँ, सेकेंड पाथ के अकॉर्डिंग भी जा सकता हूँ, यानी फर्स्ट रास्ते से भी जा सकता हूँ बी पॉइंट पर, सेकेंड रास्ते से भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे यदि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मुझे पता है कि इसका जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस वर्क डन को आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
ए से बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एफ डॉट का क्या हो जाएगा डी आर, कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हो जाएगा अपने पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कार्य इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा डी आर, और इसकी लिमिट क्या लगा दी मैंने ए से बी, यानी मुझे जाना कहाँ से है ए से बी जाना है, और ये कौन से पथ के अकॉर्डिंग जाऊँगा, तो ये जाऊँगा मैं पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग जाऊँगा पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यदि मैं पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाता हूँ तो अब एक तो पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया, दूसरा मैं कहता हूँ कि जो दूसरा जो अपने पास पथ सेकेंड है वो भी क्या कहता है, उसका भी यदि मैं वर्कडन लिखता हूँ W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास A से B आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास F वेक्टर डॉट का DR वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास पथ क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पथ फर्स्ट हो जाएगा और सेकेंड क्या हो जाएगा पथ सेकेंड हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यदि मुझे A से B पॉइंट पर ले मैं कोई पार्टिकल था A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाता हूँ पाथ फर्स्ट से, और यदि कोई पार्टिकल था A से B पॉइंट पर लेके जाता हूँ मैं पाथ सेकेंड से, तो यदि A से जाऊँ चाहे B से जाऊँ, फर्स्ट वाले रास्ते से जाऊँ और सेकंड वाले रास्ते से जाऊँ, दोनों का वर्क डन क्या होगा इक्वल होगा, दोनों का वर्क डन क्या होगा इक्वल होगा, यानी दोनों में किया गया कार्य क्या होगा बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि दोनों में किया गया कार्य क्या है बराबर है, तो ये जो अपने पास होगा वो क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि W इज इक्वल टू, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ए से बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास एफ डॉट का डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए से बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एफ डॉट का डी आर, ये वाला पथ फर्स्ट है और ये वाला पथ क्या है सेकेंड है, और दोनों की वैल्यू क्या आती है अपने पास इक्वल आती है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास इक्वल आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ, तो यहीं से ये डेफिनेशन भी परिभाषित होती है कि मेरे पास ए से बी तक जाने के लिए दो रास्ते थे, और दोनों रास्ते में मेरे पास जो वर्कडन मुझे करना पड़ेगा वो एक जैसा ही करना पड़ेगा, दोनों रास्ते खराब नहीं, दोनों रास्ते अच्छे बने हुए एक जैसे बने हुए, तो दोनों रास्तों में मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं इस रास्ते से जाऊँ तो मुझे कम थकान होगी, इस रास्ते से जाऊँ तो मुझे ज़्यादा थकान होगी, मेरे पास दोनों के लिए वर्कडन क्या है इक्वल है। और जब भी दोनों का वर्कडन इक्वल है, दोनों का कार्य इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये फोर्स कौन सा होगा अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि किसी कण के द्वारा किया गया कार्य, कण के द्वारा किया गया कार्य ए से बी जाएगा पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी वो कार्य करेगा, पथ ए से बी जाएगा तो वो सेकंड पथ के अकॉर्डिंग भी क्या करेगा कोई ना कोई कार्य करेगा, तो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी आप चाहे पथ फर्स्ट से जाओ पथ सेकंड से जाओ दोनों का कार्य क्या होगा इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो बल कौन सा कहलाएगा, वो बल क्या कहलाएगा संरक्षी बल कहलाएगा, क्या कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ द वर्क डन बाय ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ देन दिस इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हो जाएगा इफ द वर्क डन बाय ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ देन इट इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक पार्टिकल ए से बी में जाता है, दोनों का वर्कडन सेम होता है, और यदि दोनों का वर्कडन सेम होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या होगा अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फिर अपन ने लिखा है अतः स्पष्ट है कि किसी भी बल के द्वारा मतलब ए से बी यदि मैं किसी पार्टिकल को ले जाऊँगा तो मुझे कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा और वो बल ही वर्कडन में कन्वर्ट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी बल के द्वारा एक कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों पथों में क्या होता है समान होता है। तो इस इक्वेशन की लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे क्या लिखा है, अतः स्पष्ट है कि किसी बल के द्वारा एक कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों पथों में क्या होगा समान होगा। तो ए से बी जाओगे पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ए से बी जाओगे पथ सेकेंड के अकॉर्डिंग, दोनों का डब्ल्यू क्या होगा इक्वल होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू पथ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास W पथ सेकेंड। तो ये क्या बताएगा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स को क्या करेगा डिफाइन करेगा। तो आपको नोट्स में भी इसी तरीके से लिखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ ये मैथमेटिकल टर्म लिखनी है और यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ए से बी तक जाने के लिए आप चाहो तो पथ फर्स्ट से जाओ पथ सेकेंड से जाओ, वर्कडन क्या होगा इक्वल होगा। ऐसे ही अपने लिखा है हैंस इट इज क्लियर दैट द वर्कडन इन डिस्प्लेसमेंट ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फोर्स विल बी इक्वल इन द सेम, यानी जो भी वर्कडन होगा वो दोनों में क्या होगा इक्वल होगा चाहे पॉइंट ए से बी तक ले जाओगे तो भी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो किसकी हो जाएगी, ये वाला अपन ने डिफाइन किया है कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा डिफाइन किया है कंजर्वेटिव फोर्स। अब अपन को इसी का जो ऑपोजिट है वो डिफाइन करना है क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आगे एक डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो ये डेफिनेशन किसकी है
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो वो क्या कहता है, वह बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ें आएगी, यदि मैं लिख सकता हूँ कि यदि पथ फर्स्ट और पथ सेकेंड, क्या लिखता हूँ मैं इसमें, पथ फर्स्ट और पथ सेकेंड, ठीक है। तो मैंने एक तो लिख लिया पथ फर्स्ट, ये वाला अपना कोई पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पथ फर्स्ट है और ये वाला क्या है अपने पास पथ सेकेंड है। एक पथ फर्स्ट है और दूसरा क्या है मेरे पास पथ सेकेंड है। यदि फर्स्ट और सेकेंड ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई जा रहा है, क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर यदि कोई जा रहा है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है तो इसका वर्कडन दोनों का एक अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला रास्ता तो अच्छा है और ये वाला रास्ता ख़राब है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मान लो कि ए से बी पॉइंट तक मुझे जाना है, जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो फर्स्ट वाला है और एक सेकेंड वाला है। फर्स्ट वाला रास्ता कहता है कि ए से बी तक जाएंगे, तो फर्स्ट वाले रास्ते से जाऊं तो फर्स्ट वाला रास्ता थोड़ा अच्छा है, सेकेंड वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो मुझे पता है कि वर्कडन कम किस में करना पड़ेगा, जो रास्ता अच्छा होगा उसमें वर्कडन कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं कौन से रास्ते से जाना पसंद करूँगा, तो मैं ए से बी तक जाने के लिए फर्स्ट रास्ते को सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कार्य कम करना पड़ेगा और कार्य कम करना पड़ेगा, मुझे थकान कम होगी, थकान कम होगी तो मैं इस रास्ते से इजीली मैं बी पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा अपने पास, कि यदि वह बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, यानी पथ पर निर्भर करता है, यानी इसका कार्य कुछ अलग आएगा, इसका भी कार्य कुछ अलग आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों कार्य वहाँ पे क्या था, इक्वल था, अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। और यदि दोनों का कार्य इक्वल नहीं होता तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, असंरक्षी बल होगा। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैंने कह दिया कि W A से B जाना है पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास A से B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास F डॉट का क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं कहता हूँ W सेकेंड जाना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास A से B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास DR हो जाएगा। ये तो हो जाएगा पथ सेकेंड के लिए और ये हो जाएगा पथ फर्स्ट के लिए। अब मुझे पता है कि ये दोनों की जो रिजल्ट है क्या है अपने पास, दोनों का रिजल्ट है, तो दोनों का रिजल्ट होगा वो इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास W फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास W सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास A से B, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास F डॉट का DR वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा F वेक्टर डॉट DR वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास A से B और F वेक्टर डॉट का DR वेक्टर। बट दोनों का पथ ये फर्स्ट है और ये क्या है अपने पास सेकंड है, और दोनों की वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बट यहाँ पे देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा अपने पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कौन सा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन ने वही लिखा है कि द फोर्स बाय विच द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द पाथ इज कॉल्ड अ फोर्स, इट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखा है कि द फोर्स बाय विच द वर्क डन, द फोर्स बाय विच द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द पाथ इज कॉल्ड अ फोर्स, इट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि दोनों का वर्क डन है वो दोनों का क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, और यदि दोनों का वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि जब वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पाथ है वो भी क्या होगा अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने पास वर्क डन अलग अलग होगा। और वर्क डन अलग अलग है इसका मतलब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक में मुझे वर्क कम करना है, दूसरे में मुझे वर्क ज़्यादा करना है। और यदि ये दोनों इक्वल होता तो कंजर्वेटिव फोर्स होता, यदि दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे क्या होगा, अतः स्पष्ट है कि दोनों पथ पर किया गया कार्य अलग अलग होता है। यहां पे अपन ने यही चीज लिखी है कि दोनों पथ पर किया गया कार्य किसी कण के द्वारा अलग अलग होता है, अतः यह क्या होगा असंरक्षी बल होगा, अतः यह क्या होगा असंरक्षी बल होगा। इट इज क्लियर दैट, तो यहां पे लिखा है हेंस इट इज क्लियर दैट द वर्क डन ऑन बोथ द पाथ डिफरेंट, हेंस दिस फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों पाथ के अकॉर्डिंग जो वर्क डन ऑन बोथ द पाथ इज डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, कि जो दोनों का पाथ का वर्क होगा वो दोनों का क्या होगा डिफरेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो किसका होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, और इसके जो पहले वाला कंसेप्ट है वो किसका होगा अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स का। तो ये तो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का, और ऐसे ही अपने पास ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो आपको नोट्स में भी इसी तरीके से लिखना है, यदि आप हिंदी वाले हो तो हिंदी के अकॉर्डिंग लिखना, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखना, इसमें बोथ लैंग्वेज को अपन ने काम में लिया है, ठीक है।
तो ये तो क्या था अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड डेफिनेशन की। तो देखो सेकंड डेफिनेशन में अपने पास सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यदि बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए तो एक पूर्ण चक्र में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है कि यदि किसी पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट किया जाए या विस्थापित किया जाए तो उसमें एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। तो सबसे पहले तो पूर्ण चक्र के लिए अपन को ये मानना पड़ेगा कि पूर्ण चक्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा अपने पास एक डायग्राम हो गया। इसमें देखो यहाँ पे पूर्ण चक्र की बात करते हैं, तो मैंने कोई दो पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट ले लिया अपन ने ए, दूसरा पॉइंट ले लिया अपन ने बी, एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। यदि वो ए से बी जाता है और बी से ए आता है, क्या करता है, यदि वो पूर्ण चक्र का क्या मीनिंग है कि यदि वो ए से बी जाता है और बी से क्या आता है अपने पास, ए आता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए से बी जाएगा और बी से ए आएगा, तो ये क्या कहलाएगा अपना, एक पूर्ण चक्र कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी पार्टिकल ए से बी जाता है या बी से ए आता है तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, पूर्ण चक्र।